सर so, सबसे पहले क्या इसमें तो वी एन एडिटर ऐप को सिंपली ओपन करना है एंड कैसे आपने देखा होगा कि इस टाइप की वीडियो में लोग यू नो कार्टून पोर्ट्रेट भी यूज़ करें तो अगर आपको कार्टून पोर्ट्रेट की एडिटिंग चाहिए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो कैसे एडिट करना है ओके फिर आपको प्लस के आइकन पर सिंपली क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर जाना है फोटोज वाले सेक्शन में आकर अपनी एक पिक को सेलेक्ट कर लेनी है ठीक है सर so, इसके बाद सिंपली ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करके नाइन कर इज टू सिक्सटीन का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद इसकी ड्यूरेशन हम थोड़ी बढ़ा देंगे अब स्टार्टिंग में आएंगे टैप टू ऐड म्यूजिक फिर म्यूजिक पे जाएंगे प्लस के आइकन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो एंड इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मिल जाएगी डाउनलोड कर लेना एंड ओके करके आपको इसे चूज कर लेना फर्स्ट वाला है यहाँ से ओके कर देते हैं फिर आपको व्हाइट लाइन को थोड़ा सा आगे लाना ये वाला लेयर दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बबल का यहाँ पे आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है फिर ड्रैग करके नीचे आना आपको यहाँ पे ये यह हेलो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से सिंपली ओके कर देना फिर आप इसको रिसाइज कर लेना अपने हिसाब से एंड जहाँ भी मन करे आप स्क्रीन में उसे प्लेस कर सकते हो ठीक है अब आपको यहाँ पे जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेकेंड पर पॉज करना है इस लेयर पे क्लिक करके इसे स्प्लिट कर देना एंड आगे वाले पार्ट को डिलीट कर देना ठीक है व्हाइट लाइन को हम यहीं पे रखेंगे फिर ये वाला लेयर पे हम क्लिक करेंगे वीडियोज़ एंड फोटोज़ का ऑप्शन देख रहे हैं उस पर क्लिक करके फोटोज़ वाले सेक्शन में जाके अपनी एक फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे ओके इसको भी रिसाइज कर लेना जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आपको ऐसे कॉर्नर में प्लेस कर देना है एंड उसके बाद आपको इसके ड्यूरेशन जहाँ तक म्यूज़िक है उतना करनी है इसको सेलेक्ट करके सिंपली इतना हमें इसकी लेंथ बढ़ा देनी है फिर से हम क्या करेंगे आगे आएंगे तो so, यहाँ आप, आप देख सकते हो हमारी ओवरले की फर्स्ट लेयर उसका थोड़ा सा आपको आगे आना है फिर से आपको इसी लेयर पे क्लिक करना है वीडियोज एंड फोटोज पे जाना है एंड आपको अपनी सेकंड फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है इसको भी जहाँ आप चाहो वहाँ प्लेस कर देना है इसकी भी ड्यूरेशन आपको म्यूजिक इतनी कर देनी है फिर से व्हाइट लाइन को थोड़ा आगे लाना है एंड थर्ड फोटो ऐड करनी है फिर थोड़ा आगे लाना है एंड फोर्थ लेयर एंड फिर आपको फिफ्थ लेयर एक टाइम में आप पांच लेयर ऐड कर सकते हो सो आप देख सकते हो इस टाइप में आपको ऐड करना है पाँच लेयर ओके ये मैंने कर दिया एंड अब आपको सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना है ठीक है सो so, एक्सपोर्ट करने के बाद गाइज हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे सो so, आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे जाकर जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट करा था उसे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है ठीक है एंड अब यहाँ से हम प्ले करेंगे एंड वो पॉइंट uh, पे पॉज करेंगे जहाँ पे हमारी लास्ट फोटो आ रही है ठीक है देख सकते हो ये पर्पल वाली मेरी फोटो लास्ट में आ रही है फिर से मैं दिखाती हूँ ओके okay, यहाँ पर आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये मेरा फोटो आया लास्ट वाला तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड हम इस लेयर पर क्लिक करके वीडियोज़ एंड फोटोज़ पे जाके फोटोज़ पे फिर से जाएंगे एंड अपनी एक फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ओके तो इस टाइप में आपको क्या करना मल्टीपल फ़ोटो फिर से सेलेक्ट कर लेना पांच फोटो आप कर सकते हो एंड ड्यूरेशन आपको जहाँ तक म्यूजिक है वहाँ तक करनी है आपको पता ही है एंड ये वाटर मार्क है इसे आप डिलीट कर देना ठीक है तो जल्दी से मैं पाँच और सेलेक्ट कर लेती हूँ आप चाहो तो फिर से एक्सपोर्ट करके पाँच और ऐड कर सकते हो ओके